अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं सूजी का शीरा, जो कि गला ख़राब हो, खांसी हो या फिर फ्लू वगैरह हो, उसके लिए ये होम रेमेडी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए 4 कप पानी का एक पतीली में डाल के रखा है बॉयल होने के लिए। अब इसमें मैंने गुड़ डाला है, तकरीबन ये 1.5 कप होगा। ये मैंने इसमें डाल के इसको मेल्ट कर दिया और फिर उसके बाद इसको छान लेना है, क्योंकि गुड़ के अंदर काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। इसको हम छान लेंगे और अब हम पतीली में डालेंगे घी। तकरीबन 1/2 कप या 3-4 टेबलस्पून हमने डाला है देसी घी डाला है। उसमें 2-3 सब्ज़ी इलायची डाल दी हैं, उसको बस हमने मेल्ट करना है। और उसके बाद सूजी 1 कप इसमें डाल के अब हमने इसको इतना अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि सूजी गोल्डन हो जाए, हमें ये खुशबू आने लग जाए और गोल्डन कलर चाहिए इसका। तो इस तरह से भूनते रहें। अब जो हमने शीरा बना के रखा हुआ है, यानी गुड़ का जो पानी है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐसा ऐसा करके सारा डाल देंगे। बस देख लें, अगर नीचे मिट्टी वगैरह बैठी हुई है तो एंड से मत डालें। बस अब हमने इसको 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। ये फौरन ही थिक होना शुरू हो जाती है। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, इसको सॉफ्ट ही रखना है। बिलीव करें व्यूअर्स, मेरा गला ख़राब था तो मैंने यही बना के खाया। मेरी अम्मी ने ये रेसिपी दी थी, तो जब ये बना के खाया तो गला वाकई ही ठीक हो गया था। आप भी बनाएं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाकई काम करता है। ये होम रेमेडी है पुराने वक्तों की। सूजी का शीरा तैयार है। अब इसको ऊपर से देसी घी डाल के गरम गरम सर्व करें और खाएं। यकीन करें, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।